सबके, आप देख रहे हैं सतरंगी और मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया सऊद जी। क्या कहा? सही आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड, कहां गया? अब आई आवाज? आई? कलर सही नहीं आ रहा है? मैं काली लग रही हूँ? एक सेकंड। अब बताएं कैसी आ रही हूं मैं? ठीक आ रही हूं। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डब्बा वैसे देखने में तो बड़ा आसान सा है, ऑन करो ऑन हो जाता है, स्विचिंग इधर उधर करो, चैनल चेंज कर लो, लेकिन इसके अंदर आने वाले लोग, अगर आप उन पर कभी नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इस डब्बे में आना कितना मुश्किल काम है और इस कैमरे को फेस करना जिसको मैं सिर्फ देख रही हूँ कितना मुश्किल है, खासकर जब ये काम लाइव हो। रिकॉर्डेड शोज, रिकॉर्डेड ड्रामे, रिकॉर्डेड फिल्में, रिकॉर्डेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन जो चीज लाइव होती है वो बहुत 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 मुश्किल होती है। आपको नहीं पता, किसी वक्त भी आपका दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ नहीं आता, आपके अल्फाज खत्म हो जाते हैं, आपका बोलने का जो एक सिलसिला होता है, तसलसल होता है, वो टूट जाता है और फिर आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हम अब क्या करें, इस वक्त क्या करें, ना ब्रेक ले सकते हैं, ना उठ के शो छोड़ के जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको बहुत बुरी भी लगती हैं, बहुत सारी फोन कॉल्स ऐसी आ जाती हैं जो आपको उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होता है, आपको अपने खुशियों पे गमों पे कंट्रोल करना होता है। और लाइव शोज आप रोज सुबह उठ के, हर औरत का पहला काम यही है कि वो लगा के देखती है कि मॉर्निंग शो में क्या आ रहा है, कौन कौन लोग हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले टीवी ऑन करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है मॉर्निंग शोज में, है ना, बाकी सब सो रहे होते हैं ना। अच्छा, तो होता यह है कि हर सुबह आप मॉर्निंग शो देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ किस्म के मॉर्निंग शोज आते हैं, मुख्तलिफ लोग उन शोज को जो है चलाते हैं। इस शो के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, सिर्फ एक आदमी का दिमाग नहीं होता बल्कि हर इंसान की उसमें सोच शामिल होती है, मशवरा शामिल होता है, आइडियाज शामिल होते हैं, जिसके बाद एक मॉर्निंग शो वजूद में आता है और आप उसको देखते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि सारी जिम्मेदारी जो होती है वो होस्ट पर होती है जो कि उस मॉर्निंग शो को चलाना शुरू करता है और लाइव लोगों के सामने आ रहा होता है। कान में ये देखें, ये लगी हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है या ब्रेक का बताना होता है तो हमें इस कान में बताया जाता है, वो आवाज़ें भी हमें आ रही होती हैं, माइक भी ठीक करना है, यहाँ वालों की भी सुननी है, वहाँ वालों की सुननी है, अपनी भी बतानी है, अपना भी सारा मंजन बेचना है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और एक मॉर्निंग शो होस्ट जो है वो यकीनन लोगों के लिए आइडियल होती है या होता है, खवातीन उनको कॉपी करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, उनके कपड़े, उनका मेकअप, उनके बाल, उनकी ज्वेलरी, और मर्द हज़रात जो हमारे मॉर्निंग शोज कर रहे हैं उनको भी फॉलो किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आइडियल भी बना लेते हैं आर्टिस्टों को, होस्ट को, इसके अलावा फिल्म स्टार तो ज़ाहिर आइडियल होते ही होते हैं, लेकिन लेकिन जो मसला यह है कि क्या मॉर्निंग शो होस्ट की अपनी कोई लाइफ नहीं होती? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो रोज इतना खुश खुश सुबह सुबह आपके सामने आकर बैठती है या बैठता है, वो वाकई जिंदगी में इतना ही खुश होता है या वाकई उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती? बिल्कुल ऐसा नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबकी जिंदगियों में अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, अपनी अपनी टेंशंस होती हैं, घर के मसले अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं, ऑफिसेस के अलग होते हैं, और सबसे बढ़कर जो उनके ऊपर जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो शो की होती है कि कल क्या करना है, आज का कैसा हुआ, कल क्या करना है, रेटिंग आ रही है नहीं आ रही है, आर्टिस्ट अचानक चले गए, कोई बीमार हो गया, कुछ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी आपके सामने हंसी खुशी शो कर रहे होते हैं। बहुत सारी दफा तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी जो मेरी दोस्त हैं मॉर्निंग शो होस्ट हैं, उनके घर में बहुत सारी शादी के मसले मसाइल चल रहे थे कि उनको रात भर सोने को नहीं मिलता था, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके और दूसरे मसाइल थे, निदा के यहाँ बच्चा हुआ, ठीक है, वो पूरी रात जागती थी, उसको फीड भी कराती थी लेकिन अपने शो पर भी आती थी, और आप लोगों को देखने में कभी ऐसा नहीं लगता होगा कि ये पूरी रात की जागी हुई है या ये सोई नहीं है या ये थकी हुई है। आप लोगों में से कभी कोई सोच सकता है कि बच्चा पैदा हो नया नया और उसका बड़े बच्चों की जिम्मेदारी, शौहर की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, फिर छोटे बच्चे के साथ पूरी पूरी रात जागना, 10 दफा उठ के उसको फीड कराना, उसका पैंपर चेंज करना और उसके बाद सुबह तैयार होकर शो पे बैठना और हंसते हुए बैठना, कितना मुश्किल काम है ये। दूसरी जानिब अगर आप आते हैं, मैं शो करती हूँ, आप लोगों को शायद पता ही नहीं चला हो कि मेरे इन शो के बीच में मेरे एक मामू का इंतकाल हुआ, उस दिन मैं शो कर रही थी, मुझे शो पे पता चला, लेकिन क्या
कि शो तो करना है, काम तो है, ये भी हमारी जॉब है। अगर लोग ये कहते हैं कि अरे देखें इनके यहाँ तो ये हो रहा है, ये टीवी पर आ रही, तो भाई ये तो हमारी जॉब है, क्या आप लोग जॉब पे जाना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। और हमारी जॉब तो ऐसी लाइव। तो उसके तीसरे दिन जिस दिन उनका स्वयं था, उस दिन मेरे दूसरे मामू का इंतकाल हुआ और मैं पूरा वक्त शो करती रही हूँ और मैं वहां भी जाती रही हूँ। किस घर से उठ के मैं यहाँ आती थी और यहाँ से मैं किस घर में जाती थी, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह आना, शो करना, हंसना। कभी कभी हमारा रोने को दिल चाह रहा होता है, कभी कभी बड़े मसले मसाइल होते हैं, दुख होती है, तकलीफ होती है, बीमारी होती है, लेकिन हम यहाँ पे खड़े होते हैं आप लोगों के सामने क्योंकि ये 2 घंटा शो हमें चलाना है। कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा खुशियों भरा घर होता है, दिल ही नहीं चाह रहा होता रात को सोने का कि यार सब जाग रहे हैं, हम भी जागते हैं, गाने बजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्या कि हमें उठना पड़ता है, जाना पड़ता है। सारे जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट आप देखें, चाहे वो कोई भी हो, जिस भी चैनल के हों, मर्द हज़रात के अपने मसाइल होते हैं, खवातीन से भी ज्यादा होते हैं उनके मसाइल। उन्हें बाहर की चीजें भी देखनी है, बच्चों की जिम्मेदारी भी है, तमाम जिम्मेदारियां उनके सर पर होती हैं, वो भी सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन हम आपको एंटरटेन करते हैं, 2 घंटा आपके सामने होते हैं और जाहिर है आप लोगों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। बहुत सारे कभी कभी हमारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो पसंद भी नहीं आते लोगों को, लेकिन क्या होता है कि हर इंसान की पसंद अलग होती है, हर इंसान की सोच अलग होती है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। तो कभी ऐसे शोज होते हैं जो कि एक तबके को पसंद नहीं आते लेकिन दूसरे को बहुत पसंद आते हैं, कुछ शोज ऐसे होते हैं जो दूसरे तबके को पसंद नहीं आते, पहले तबके को बड़े पसंद आते हैं। तो हम हर तरह के शोज करना चाहते हैं ताकि जितनी भी हमारी 18 करोड़ आवाम हमें देखने वाली है, चाहे वो पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, उनकी हर तरह के, उनको हम अवेयरनेस दें, उनको हर तरह की एंटरटेनमेंट दें, उनको हर तरह की मालूमात फराहम करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ दुखी शोज भी करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम कोई रुलाना चाह रहे हैं आवाम को या कुछ करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ एहसास जगाना चाहते हैं कि अगर कोई तकलीफ में है तो हमें उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि तकलीफ में होते हैं। कभी कभी बड़ा तंकीद का निशाना बनाया जाता है मॉर्निंग शो होस्ट को, खासकर जो दूसरे चैनल के होस्ट एंकर हैं वो मॉर्निंग शो होस्ट को बड़ा निशाना बनाते हैं जो कि खुद न्यूज़ के एंकर होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका काम ये थोड़ी है, उनका काम है लोगों को खबरें फराहम करना, किसी को तनकीद करना ज़रूरी नहीं होता। हर इंसान का अपना स्टाइल होता है, हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान का अपना देखें, हर इंसान ये सोचता है कि देखें मुझे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है, मुझे 2 घंटा लाइव लोगों से बात करने का मौका मिला है तो हम अपने दिल की हर बात करें, हमारे अंदर जितने फन है उनको सब वो फन दिखाएं। तो ये सारी चीजें होती हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो प्रोफाइल इंटरव्यूज हो, चाहे वो कोई ऐसा शो हो जो कि हमारे सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हो, तो वो शो सारे हमें करने होते हैं और आप लोगों को दिखाना होता है। उनमें से कुछ आपको पसंद आता है, कुछ नहीं पसंद आता, लेकिन हो सकता है कि जो आपको नहीं पसंद आ रहा हो किसी दूसरे को पसंद आ रहा हो, तो हमें सबका ख्याल रख के चलना पड़ता है। और मॉर्निंग शो होस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सुबह सुबह आप लोगों को हंसते हुए चेहरे के साथ वेलकम करना, आप लोगों को खुश करना, आप लोगों को हंसाना। और आज जो है हमारे प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो भी यही है कि आज हम आपको उन तमाम मॉर्निंग शो होस्ट से मिलवाएंगे जो कि सुबह सुबह आते हैं और आपके घर में अपने रंग बिखेरते हैं, जैसे सतरंगी आपके घर में आके अपना रंग बिखेरता है। और मुझे यकीन है जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो मॉर्निंग शोज देखते हैं और जो मुझे अपने घर में बैठे हुए देख रहे हैं, जो मॉर्निंग शोज देखते हैं वो किसी एक चैनल पर टिकते नहीं है, वो हर चैनल पे देखे आज इसने क्या पहना हुआ है, आज इसके पास कौन सा गेस्ट आया हुआ है, आज इसके बाल कैसे बने हुए हैं, आज इसका मेकअप कैसा है, आज ये क्या कर रहे हैं, आज वो क्या कर रहे हैं। हाँ भाई ये सब देखते हैं ना आप लोग, हैं देखते हैं आज निदा क्या कर रही है, देखते हैं आज शाइस्ता क्या कर रही है, देखते हैं आज नादिया किसकी बेइज्जती कर रही है, देखते हैं कि आज आमिर भाई क्या कर रहे हैं, देखते हैं आज साहिल लोधी क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि आज जवेरिया क्या कर रही है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं और ये सब होता रहता है और हमारे बड़े प्यारे लोग हैं ये, मैं तो आप लोग तो सबको नहीं जानते लेकिन मैं तो सबको जानती हूँ, ये सब बड़े अच्छे लोग हैं, सब अपनी परेशानी अपने घर पे छोड़कर आते हैं और आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, आप लोगों को खुश करते हैं। तो यकीनन ये आप लोगों के आइडियल भी होंगे, तो हमारे लिए भी जरा दुआएं किया करें कि हम भी खुश रहें, हमारे भी घर बच्चे सब खुश रहें, सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूलों में धक्के देके हम आते हैं।
और जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते टेंशन लगी रहती है अभी तक आए होंगे या नहीं आए होंगे, क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे तमाम मॉर्निंग शो होस्ट के ऊपर है, हमारे बड़े ही प्यारे जो सुबह सुबह उठ के आपके घरों में खुशबू फैलाते हैं अपने शोज की। तो आज हमारा शो आप जरूर देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सतरंगी में आज रंग भरने आ रहे हैं मॉर्निंग शो होस्ट। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और आपको मिलवाते हैं तमाम स्पेशल गेस्ट से। हमारे तमाम मॉर्निंग शो होस्ट्स की, और मैंने आपसे कहा था कि आज वो हमारे शो पे मौजूद होंगे और आप लोगों के दिल में जितने भी सवालात हों जो भी उनसे करने हो आप लोग कीजिएगा, मेरे जितने सवाल हैं वो मैं करूंगी उनसे। तो पहले मैं, आप लोग क्या चाहते हैं, पहले किससे मिलना चाहते हैं आप लोग, आप लोगों को सबसे ज्यादा कौन पसंद है, चले मुझे बताएं। वो तो मेरे शो पे बैठने इसलिए कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं पहली अपनी होस्ट को बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए। हाँ जी, पहला मेहमान कौन है हमारा? आप मेरी लिस्ट में तो आप नहीं थी। मैं, मेरा तो शो है, मैं सवेरिया। सवेरिया? एक्सक्यूज मी, ये मेरा शो है, मैं जवेरिया। नहीं नहीं, मैं सवेरिया। आप जवेरिया? एक तो मेरे बालों का बड़ा मसला है, मैं क्या करूं, चांद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बताती हूँ गाने में। अच्छा, आपको किसने बुलाया, आपको किसने इनवाइट किया यहाँ पर? क्या मतलब इनवाइट किया, मेरे शो में मुझे इनवाइट करना? ये शो मेरा है, मैं जवेरिया हूँ। अरे मैं सवेरिया हूँ, ये शो मेरा है। आप लोग तालियां क्यों नहीं बजा रहे, नाश्ता नहीं मिला आप लोगों को? देखा देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर है जी, है ना, है ना, है ना। चलिए आप बैठे प्लीज। जी जी, आप आ ही गई हैं तो आपको बिठाई लेती हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे बालों का बड़ा मसला है, क्या करूं मैं, बालों को तो संभलते ही नहीं, क्या करूं, चांद तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे काशिप भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? आज हम दोनों मिलके गाना गाएंगे, सही है ना? ठीक है चल। अच्छा आप गाना भी गाएंगी? क्यों, लो इनको नहीं पता कितनी अच्छी आवाज है मेरी, आजकल तो ज्यादातर गाने मैं ही तो गा रही हूँ, मेरे बालों का बड़ा मसला है। हाँ जी, देखा मेरे बालों कितना मसला है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इतना हंसती क्यों है शो में? तो क्यों ना हंसू मैं, अरे इसी बात के तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। चलिए अब आप आई गई तो आप, मैं आपकी एक बड़ी पक्की दोस्त को बुला रही हूँ। मेरी पक्की सहेली? जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन? और वो मैं बुलाऊंगी तो आप देख लीजिएगा। जी, जी जी जी। और उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, खुद ही आ गई, उनके बारे में आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे नशेबो फराज देखे, लेकिन अभी तक वो उसी तरह उसी हिम्मत और हौसले के साथ खड़ी हुई हैं और उसी जगह पर हैं जहां पे पहले थी। ना उनका मुकाम कोई नीचा कर सका, ना कभी कोई कर सकेगा। आपकी बहुत सारी तालियों में ना शाइस्ता। अरे 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 उठिए ना, अरे उठिए। प्यारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, प्यारे पाकिस्तान। मेरी दोस्त, अरे गिर के कैसा लगा? अरे अरे शाइस्ता, प्लीज उठिए ना, आइए 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 ना, प्लीज आइए। आप सवेरिया के साथ बैठना पसंद? मैं सवेरिया की बड़ी अच्छी दोस्त हूँ जी, मैं यहीं बैठूंगी, कार्ड जरा हटाइएगा। जी 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 जी। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं प्यारे पाकिस्तान को सुबह बखैर, सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। और एक बात बताती चलूँ कि बहुत ही सीरियस शो लेकर आई हूँ मैं। किसको बिठा दिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे?
ना शाइस्ता, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, चूंकि आज आप लोग मेरे गेस्ट हैं और मैं भी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ ये तमाम गेस्ट एक साथ मौजूद हैं। हाँ जी। और मैंने सोचा कि इनसे इनकी लाइफ के बारे में कुछ सवालात करूं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जो हैं माशाल्लाह इतनी स्मार्ट कैसे हैं इतने बड़े बड़े बच्चों के बावजूद? इसको खाने को नहीं मिलता ना। खाने को मुझे बहुत मिलता है, खाना मैं बहुत शौक से खाती हूँ, डाइटिंग में बिल्कुल नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन अक्सर जाके चॉकलेट टार्टर बहुत शौक से खाती हूँ, लेमन टार्टर बहुत खाती हूँ और ना चिप्स वगैरह भी खा लेती हूँ। लेकिन दिल पे बहुत ले लेती हूँ, इमोशनल बहुत हूँ मैं, जरा सी कोई अगर सीरियस बात हो जाए तो फौरन रो भी पड़ती हूँ। और हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है वो भी, और उनके लिए भी यही कहूंगी कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर पहुंची है, और मैं तो उनको बहुत पुराना जानती हूँ, मेरे साथ बहुत दोस्ती रही उनकी। आप लोगों को अगर एतराज ना हो तो बुला लूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे एतराज क्यों को बुलाए बुलाए। आप ही तो बड़ी पक्की दोस्त हैं, ये क्यों रो रही हैं? अरे आप क्यों रो रही हैं? नहीं नहीं वो हंस रही है, ये दोस्तें वापस आ रही हैं तो मुझे। हाँ जी, तो मैं आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ, द वन एंड ओनली फिदा नासिर। कैसे हैं सब लोग? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने का। ये मेरा शो है भाई, हर कोई इसको अपना शो क्यों कह रहा है? अच्छा, आप सतरंगी में आई हैं? अच्छा, बोल रही हूँ ना, आप चुप करेंगे तो बोलूंगी। अच्छा जी, तो शो आपका है? अच्छा, मुझे वैसे बताया था ना। रिदा, रिदा, प्लीज रिदा, देखो सारे तुम्हारे मैके वाले बैठे हुए, सारे मैके वाले। वैसे वैसे मौसम भी बड़ा जबरदस्त हो गया ना, मैं अभी आज सुबह ही देख रही थी, इतना खूबसूरत मौसम, मैंने सोचा इस मौसम में सबकी शादी ही करा देते। तोबा 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 तोबा, मैं तो तोबा करती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम शादी शादी कभी नहीं कराऊंगी, शादी होती मैं ही गायब हो जाती हूँ। शादियाँ होना अच्छी बात होती है, जितने लोगों की शादियाँ कराए उतना अच्छा, और जब तक शादियाँ नहीं होंगी तो इस मुल्क की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? तो वैसे अब मैं आपको साथ साथ इस शो के प्लेटफॉर्म पे एक वो भी बताती चलूं ना, बैठे बैठे आपने ही शो समझी। तो मैं ये सोच रही थी कि मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, तो क्यों ना हम बाय वन गेट वन फ्री कर दें, ऐसा करते हैं कि हाँ हाँ हम दो शादियों पे दो शादियां फ्री कराएंगे। ये मेरी सीट है। अरे दा बहुत। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कैसी बात कर रही है, पता ही नहीं है किसको कराई है, कैसे। अच्छा मैंने सुना आपकी सवेरिया से सबसे ज्यादा दोस्ती है, वजह क्या है इस दोस्ती की? बस शुरू से साथ काम किया तो जाहिर सी बात है दोस्ती तो हो ही जाती है ना, फिर मिजाज भी एक जैसे है ना, थोड़े थोड़े। नहीं वो तो नहीं हंसते इतना, नहीं नहीं मुझे भी हंसना बड़ा अच्छा लगता है, बस वो लाइफ लाइन्स पड़ जाती है, मुझे तो इस बात का डर ही नहीं है। पूरा नहीं मानिएगा रिदा जी, रिदा जी ऐसी हंसती है। हाँ, डर मत जाइए, डर मत जाइए। नहीं मैं क्यों बुरा मानूंगी, मेरा छोटा वाला बेटा भी हर वक्त हंसता रहता है, खूबसूरत है, आपको पता है तस्वीर तो दिखाई है मैंने आप लोगों को, बड़ा ही हसीन है, बड़ा प्यारा चुलबुला सा ना, इधर उधर घूमता रहता है, कभी कभी दिल करता है साथ ही ले आऊं उसे, लेकिन फिर तंग बड़ा करता है ना। मेरे बच्चे तो मेरी हंसी से डर जाते हैं, मेरी बेटी में हंसती हूँ तो डर जाती है, और बच्चा कंबल में मुंह डाल लेते हैं मम्मा। ये तीनों मौजूद हैं और हमारे गेस्ट अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी बुलाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज फैले हुए हैं सुबह के रंग।
जवेरिया और फिदा मौजूद हैं और अब जिनको मैं बुलाने वाली हूँ बड़े अरसे के बाद, कहते हैं कि एक वक्त में उनका जो मॉर्निंग शो होता था उसी ने तमाम मॉर्निंग शो की रस्म जो है डाली कि इतने सारे मॉर्निंग शोज जो है वो चैनल्स पे शुरू हो गए। ये क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है और आजकल फिर वो बीच में गायब हो गई और आजकल फिर वो आई हैं, लेकिन पता नहीं इस बार उनका मॉर्निंग शो कोई रीत क्यों नहीं डाल रहा। तो उनको बुलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ लादिया खान। मजे में तो देखें, सबसे पहले जो है मैं जो अपने शो के अंदर रखती हूँ प्रोग्राम वो बड़े रखती हूँ इन्फॉर्मेटिव टाइप के, आप लोगों को तो पता ही है ना। ठीक है, लोगों की बातें तवज्जो भी नहीं देती वैसे भी, और वैसे भी मुझे जो है ना ये लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वो बात करती हूँ जो काम की होती है, फजूल की ऑडियंस, फजूल की बहुत सारी जो खवातीन है खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन पतला कैसे होंगे, पतला ऐसे होंगे। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो करती हैं बड़ी मसालेदार बातें भी करती हैं, मसालेदार शो भी देखती हैं सुबह, और मेरा शो वैसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। और आज मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बुलाई भी है एक जो है स्पेशलिस्ट। अब क्या है कि इसके अंदर जो है मैं आपको एक बात ये बताऊं, आप क्यों इधर उधर टहल रही है, मेरा शो है ये, तो शो के ऊपर कैसे आए हुए हैं, मेरे इजाजत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई काम ही नहीं कर सकते, ये कैसे आ गए हैं। आपको एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से जो है ना वो मसाला जो है वो दिमाग पे भी चढ़ सकता है और वो गैस करता है, और जब गैस हो जाए मजे से मिलिएगा ब्रेक के बाद। हाँ ब्रेक हो गई, आ जाइए प्लीज। हाँ ब्रेक नहीं है मेरे शो के अंदर, ब्रेक नहीं है, आप बैठे प्लीज इधर। अच्छा अच्छा, वैसे अभी ना मेरे शोहर का फोन आया था, नासिर का। अच्छा, कह रहे थे बहुत ही प्यारी लग रही हो, मैं तो अपने कपड़े जो है वो खुद ही डिजाइन कराती हूँ। अरे हाँ मैंने सुना है कि तुम मांग मांग के कपड़े पहनती हो। नहीं नहीं, अरे हाँ हाँ सच बता रही हूँ, छुपा रही है। मुझे जरा सी बात समझ नहीं आती भाई, अपने कपड़े पहने मांग मांग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है आप लोगों को? एक बात मैं अपने कपड़े खुद ही बनाती हूँ, आप लोग ये पिताजी ये तुम इतनी मोटी क्यों हो रही हो? अल्लाह मैं क्या करूं, मुझसे खाना नहीं छोड़ा जाता है। तुमने क्या किया ये टिके भी तुम्हें देखो इतनी पतली, देखो मैं बहुत गोरी हूं, मेरे से मुकाबला नहीं तुम कर रही हो। तो मेरे पास है इधर लगाओ, देखो मैंने भी यहां लगा लगा के ये तो नहीं मुझे नहीं 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 वैसे ये बड़ा वैसे तुम यकीन करो लादिया जी मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हमारे शो के अंदर शादियां हो रही हैं, ये अगर कोई शादी आप करो इसका गाल बाहर आई है, इसकी गाल बाहर आ गई है, ये लोग मेरी समझ में नहीं आता। आखिर लोग बोटॉक्स क्यों करा रहे हैं? जगह पे आइए प्लीज भाई, जगह मेरी है। अच्छा, आप बार बार आप अपनी जगह
जगह ले, मैं एक चीज करती हूँ, टिप टॉप मशीन में। आप अपनी जगह पे जाइए ना, आप बार बार इस तरह करेंगे तो निदा क्या हो गया तुम्हें, बार बार गिरती रहूंगी। मुझे इतना है तुम्हारा शो, मेरा शो एक ही बात है बहन। अरे औरतें कितना बोलती है, प्लीज ये आप सबका शो नहीं है, मैंने आप लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, मुझे तो कुछ बोलने दे, आप सब एक साथ शुरू हो गए हैं। जी 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 जी, प्लीज ठीक है, अब एक एक करके बोलें। आप क्यों हंस रही हैं? ये बिना वजह हंसती रहती है, मुझे तो लगता है किसी के घर किसी उस पे ताजियत पे भी जाती हूं, तो हंसती हंसती ताजियत करती हूं। काफी टाइम मिलता है ना कि मैं एक्सप्रेस चैनल लगा हूं तो हर वक्त हंसती हुई दिखती है, बस क्या किया जाए। बोलने नहीं, बस एक बात है, लेकिन एक बात है, मैं जवेरिया की एक बात बोलूंगी कि अगर ये हंसते भी हैं तो मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सप्रेस चैनल के ऊपर अगर हंस भी रहे तो हंसी की तो अच्छी बात है। देखो जो चीज बात होती है करने की वो मैं करती हूं, लेकिन जो बात गलत होती है वो मुझे बिल्कुल, अच्छा गलत क्या है, पसंद बिल्कुल नहीं करती। गलत क्या है, जैसे मुझे बोटॉक्स की पसंद नहीं है, जिसको देखो टीके लगवा लेते, क्या ये मतलब क्या क्या आप लोग आप लोग की चाह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर हर बंदा इंजेक्शन पर, आप मैं किसी एक को बोल नहीं रही, और वैसे भी मेरा ये राइट नहीं बनता कि मैं किसी एक को बोलूं। मुझे लग रहा है आपके कहने का मकसद क्या है, कैसे जरूरत है, मतलब कुछ लोगों ने सिर्फ आंखें यूं चढ़ा ली हैं टीके लगा के, कुछ लोगों ने यहाँ से क्या क्या है ये सब क्या कुछ है, लेकिन फिर इससे फिर क्या फर्क पड़ता है, प्रूफ तो होना चाहिए। जोड़ा क्यों पहना हुआ, बड़े आप कोई फर्कीले जोड़े पहन लेती है भाई। दरअसल बात ये कि आजकल है शादियों का सीजन, शादी सबसे ज्यादा फिदा शादी, शादी मैं कह रही हूँ, मैं पहले ही कह रही हूँ कि शादियों का सीजन है, शादी नहीं है, छुट्टी है, अरे हरी मेरी नहीं, फिर होती है बरात, फिर तो पता है वो भी आई है शो पर, बैग बार बार गिर जाता है तो फिर बात ही नहीं हो पाती। हाँ क्या कह रहे थे आप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बताती हूँ, आपकी वायर गिर गई है, वायर अच्छा क्या अच्छा हाँ हेलो हाँ कॉल है, नहीं नहीं रहने दो, अभी कॉल करें दो, बात करें बात करें बात करें दो, कॉल करें दो, बर्थडे सेलिब्रेट करें ना, हैप्पी टू यू, वो तो अभी करेंगे ना, वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे कुछ बात करने दे, मुझे भी बोलने दे, मैं आपसे पूछूंगी लादिया, इतने अरसे आप स्क्रीन से गायब रही, बीच में आपने फुदक के आने की कोशिश की लेकिन फिर फुदक के वापस बाहर भेज दिया गया आपको, तो इतने दिन तक जो आप बाहर रही क्या किया आपने, रेटिंग इशू होता है। एक बात बता दूं, इंजेक्शन लगाया नहीं, जब एक बात बता दूं, मुझे बहुत बुलाया, इतनी कॉलें की लोगों ने, लेकिन क्या था कि मतलब मैं भी करना नहीं चाहती थी, इन्होंने कहा हादिया फ्री हो, मैं कहती थी नहीं अभी नहीं अभी, फिर उन्होंने मुझे फोन किया कहा हादिया अब फ्री हो, मैं कहती नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर जब मैं आती थी ना फोन में, फिर मुझे उन्होंने कहा मैंने कॉल ऑफ ही होता था, फिर मैंने कहा चलो इतना ज्यादा मतलब बुला रहे इतना कह रहे हैं, तो मैं चलो मैं करते एक कर लेती हूं, एक मैं ना मैंने सुना है कि आप इस बीच में इंजेक्शन लगाती रही अपने भी और लोगों के भी, कैसी बात कर रही हूँ, मुझे तो मैं तो इन चक्करों में लगती नहीं हूँ, यकीन करो मुझे ये पसंद ही नहीं है, मैं तो खुद ये लोगों से कहती हूँ कि आखिर ये इतने क्यों मोटे हो रहे हैं, मगर ये जो है ये मैंने आवाम के लिए रखा हुआ है। अब देखो यहाँ कितनी खवातीन मैं कहती हूँ, मुझे तो अव्वल तो मैं ये शो के इस हक में ही नहीं हूँ कि यहाँ पर औरतें बैठे आके ऑडियंस बैठे आके मुझे पसंद नहीं है, बातें कर रही है, मैं अपने शो पे आप देखे तालियां भी आर्टिफिशियल लगवाती हूँ, बजती होती है कहीं शो होता है प्यारे पाकिस्तानियों के लिए है, तो तुम यकीन करोगी कि ये बहुत अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, मैंने लगाया है आपको ज्यादा जरूरत है, मैंने इंजेक्शन लगाया, प्लीज चुप हो जाए, मुझे आगरा गैस पे बुलाना है, और जी अब जिस गेस्ट को मैं बुलाने जा रही हूँ उसके जैसा ना कभी आया ना कभी आएगा, उसके जैसा ना कोई है ना कोई होगा, इतना क्या कहना चाहिए कि लोगों के दिलों पे राज करने वाला इंसान, लोगों के दिलों पे भी राज करने वाला, और सबसे बड़ी चीज कि लोगों का आइडियल, लोग उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, और सिर्फ आम आवाम नहीं, बड़े बड़े एंकर जो हैं वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी नकल करते हैं, और उनको उनको उन्होंने अपना आइडियल बनाया हुआ है, तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे बहुत ही प्यारे आखिरी सदाकत।
भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अरे माशाल्लाह, आपकी तबस्सुम भाई, इनकी तबस्सुम के लिए तालियां। आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? हैं? आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं शो कर रही हूँ। अच्छा, वाकई में आप कर रही हैं? जी। लग नहीं रहा भाई, ये तो मेरा शो है ना भाई। ये देखें, साथ किसके लेकर आया हूँ? साथ अपने साथ भाई। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आमिर याकिर जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। एक सेकंड, आप लोग खबरदार कोई कुछ बोला तो चुप रहे। आमिर भाई को बोलने दे। आमिर भाई इधर आ जाए, ये तो बहुत देर से बोल रही है चारों की चारों। बिल्कुल। तो भाई हम यहाँ आए हैं, यहाँ गेम खेलेंगे हम लोग, ठीक है? गेम बस मुझे इसीलिए पसंद है, बहुत सारे भाई आपने तो थका दिया है सबको बिठाकर। मैं कहती हूँ कि अगर शो करें सबको थका दिया आपने बिठाकर। इंफॉर्मेटिव शो होना चाहिए। आप चुप हो जाए, ये आपकी बहुत बीच में बोल रही है। लेकिन ये कि मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रही, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही हूं। अब कोई टू यू शुरू है, मौका नहीं छोड़ दे। सुपरमैन वाली टी शर्ट बहुत मिस कर रही हूँ। आप सुपरमैन की टी शर्ट पहन के नहीं आया? आज मुझे आप देख लें, ऐसे देख लें ना, मैं तो ऐसे सुपरमैन हूँ। हमें जरूरत ही नहीं है भाई, एक जैसे कपड़े किस किसने पहने? भाई इनाम होगा ना एक जैसे कपड़ों पर? इनाम है? हाँ बिल्कुल है। क्या नाम है? हाथ खड़ा करें ना भाई, एक जैसे कपड़े। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं इनाम दे दे के, और ये चीज मैं पसंद नहीं करती। मुझे कहाँ से लाई है पकड़ के? ये केक वाली को कैसे लाई है? चुप हो जाए दो मिनट के लिए। किसको? केक वाली को? हाँ, ये टू यू वाली। अच्छा आमिर भाई, आज जो है ये क्या लेकर आए हैं आप? ये क्या है आमिर भाई? ये मेरा प्रोग्राम है। कोई बात नहीं ना, ये मिल्क बांटनी करेंगे ना। अच्छा सही, कुछ आप बोलना कुछ मैं बोलूंगा। अच्छा आमिर भाई, मुझे एक बात कहनी है। हाँ, आज मैंने आप सबका इंटरव्यू लेने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहा बात करने का। आप फजू पागल हैं आप? क्यों? आप लोगों ने बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? आज यहाँ सारे बोलने वाले आए हैं भाई। आज आखिर सदाकत हमारे साथ मौजूद है, और हम कर रहे हैं आज इन सब सितारों से मुलाकात, और रंग भर रहे हैं आपकी सुबह में। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। आप ये देख रहे हैं, और इसको देख के जिसकी याद आती है वो आपको पता है, एक्चुअली इस्तांबुल बहुत दूर है ना, तो हम वहां से हारिया को बुला नहीं सके। हाँ? तो ये हमें दूर से नजर आ रहा है इस्तांबुल। हेलो हारिया। हेलो हारिया, कैसी हो? जरा म्यूजिक तो लगाए, जरा म्यूजिक तो लगाए हारिया का। नजर आ रही है आपको? नजर आ रही है आपको? ढूंढ रही हूँ कश्ती में, कहाँ गई हूँ, नजर नहीं आ रही है। अच्छा आप बैठ जाएं प्लीज, आपको बहुत जो है ना झांका ताकी की आदत है, बैठ जाएं। जो सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। अच्छा जी, कैसी हो तुम? आखिर भाई के होते हुए हम कैसे ये मजाल कर सकते हैं कि हम बोलें और वो चुप बैठे? जी बिल्कुल। आप क्या मेरे प्रोग्राम में आने के बाद? अच्छा पहले तो मुझे बताएं, लोगों का दिल जीतना कैसे आता है आपको? इतना लोगों का दिल जीतते हैं, हर कोई हाथ मलता रह जाते कि आए हाय। अरे बिल्कुल आराम से। अरे भाई इतना ज्यादा भाई, हमारा बोलना दिल जीतना ही तो है। हाँ भाई देखें, मैं ये आपके शो में आया और मैंने आपसे बात की, अब आप हमारी दीवानी हैं। ये हुआ क्या है ने? भाई एम्बुलेंस मंगा दें। बड़ी प्यारी बातें करते हैं भाई, बड़ी भाई एम्बुलेंस मंगा दें भाई। अच्छा तौबा 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 तौबा। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है, हमारी जो फिल्म स्टार हैं हीरा, वो इन्हीं के शो में तो गई नहीं, आपके शो में वो 10 दफा आ गई। हाँ। ये तो कहती है कि वो बड़ी जो है वो नहीं डिच कर जाती है बीच में से, शो के बीच में भाग जाती है। देखें हम मोहब्बत वाले इंसान है, अब इंसान मोहब्बत वाले के पास ही आता है ना। लेकिन कुछ लोग असल में मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं अच्छा कुछ लोग पता क्या,
मैं बात करती हूँ सच और सच, असल में सच सबको लगता है बुरा, मैं करती हूँ सच बात, सच्ची बात है, जो उसूल की बात होती है वो उसूल की बात होती है, मुझसे टीका लगाओ। और वैसे भी जी आप उसूल की बात करें, उसूल की बात ना करें। एक बात बता दूं, मैं किसी को डायरेक्ट कोई बात नहीं कर सकती हूँ, ना मैं किसी से कहती हूँ, ना मुझे किसी से शिकायत होती है कुछ ही बात करने की, लेकिन ये है कि मेरा अपना एक अंदाज है, मेरा अपना एक स्टाइल है बात करने का, अपने का, मैं अपने प्रोग्राम को चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले लोगों को, ज्यादा से ज्यादा पता चले। यहाँ किसी की सालगिरह नहीं है, यहाँ टू यू नहीं होने वाला भाई, अरे भैया बोलो भैया। अच्छा सुने, सुपरमैन की टी-शर्ट क्यों नहीं पहनी? मैं वैसे सुपरमैन हूँ। अच्छा मुझे ये चीज भी एक अच्छी नहीं लगती कि अंदर से तो भैया बोलो लेकिन लोग मेरी बात सुने, प्लीज 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 आप थोड़ी देर प्लीज बोलती रहती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मौका दें। तो आपने मुझे ये बताओ तुम कि तुम मेरे शो में पहली बार आई हो, ठीक है, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों को क्यों बुला लिया? सिर्फ मुझे ही बुलाती ना, तुम और मैं बैठ के बड़े मजे से बातें करते, कुछ आगे की चीजें प्लान करते। अभी देखो मेरे घर में मासी काम कर रही है, उसकी शादी हो गई है, तो वो गांव जा रही है, तो मैंने सोचा उसकी रस्में शस्में करा लेते, तो तुम्हारे शो पे बैठ के रस्में भी कर लेते। जहेज मैं ही दे देती, कोई बात नहीं, तुमसे नहीं मांगती, जहेज मैं देती। मैं तो कह भी नहीं देती। हाँ, लेकिन ये कि शादी भी हो जाती इसी बहाने। कैसा लग रहा है, सब लोग सामने बैठे हैं और ये मेरे शो के लोग, जब रोज सुबह मैं शो करने आती हूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है मैं अपने घर में आ गई। अरे सुने, कोई पुप्पी लगती है, कभी कोई खाला लगती है, सब अपने लगते। शादी होके गई, लाल का जो रहता है आवाम जो है ये मेरी आवाम है भाई, बता दो भाई, ये करके दिखाओ, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है यार, ये पाकिस्तानी होता है। अच्छा सतरंगी के रंग जो फैले हुए, मेरे सतरंगी के रंग है। अच्छा भाई, सबको सबको इनामात चाहिए ना, शादियां करानी है ना, तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ही जी, अरे भाई सुन ले, छोटी सी जिंदगी है जी, हंस खेल कर मोहब्बत से प्यार से हम इसे गुजारें, क्यों एक दूसरे के हम सर काटने के पीछे लगे हुए हैं, क्यों एक दूसरे को हम तंग करने के लिए लगे हुए हैं, क्यों एक दूसरे को टू यू करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं भाई वाह, क्या कहने हैं आपके, जिंदगी की बात की है तो जिंदगी पे ही गाना हो जाए। क्या सुना रहे हो आज हमें? मेरी और सर साहब की एक गजल है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह वाह वाह, हो जाए भाई हो जाए। अरे जिंदगी में तो सभी प्यार किया बस भाई बस, ये तुमने आलू का मसाला है, ज्यादा उगा दिया मेरे भाई, मैं ये इमोशनल सॉन्ग क्यों गा दिया, ठीक कर दो। कोई बात नहीं, आ जाए आप, आ जाए आप, बैठे बैठे तुमने उगा दिया भाई पगली को। आइए 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 आइए, आ जाओ बेटा, बस बस ना शाइस्ता, बस ये आलू कहां फंसे थे? मेरा गोरा रंग, मैं बीबो जैसी गोरी चिट्टी, कभी रोना भी चाहिए यार। चलो अच्छी बात है, वजन कम होगा। मुझे ये बताए, मैं इतनी मोटी हूँ, मैं पतली कैसे हूँ? ये मोटी है तो फिर मैं क्या हूँ? उनसे पूछे ना। ये देखो, ये है ना, तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, सही बता रही हूँ, तुम लगाओ इसको, देखो तो सही। नहीं, 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 हर किसी से कुछ नहीं, क्यों करती? मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि वो लोग जो सिर्फ यहाँ पर खामखा के लिए बातें करने के लिए आते हैं, मेरे लिए बहुत सारी बातें करते हैं कि जी ऐसा किया, खीरा को बुलाया, फला को बुलाया, क्या क्या, मैं बात करती हूँ सच, और सच हमेशा लगता है लोगों को कड़वा, लेकिन मुझे इसकी खैर कोई परवाह नहीं है, ना मैं इस चीज की परवाह करती हूँ, ना मुझे इस चीज से कोई वो है। लेकिन ये कि मुझे मेरी चाट मंगवा के दो, मुझे भूख लग गई है। अच्छा सुने,
भूख का बेहतरीन इलाज है ये, देखो ये ट्राई। नहीं नहीं, अरे भाई क्या इलाज है ये, मेरी टीम यहां है। अच्छा ये इतना जबरदस्त किस्म का, अपनी टीम को बता रही हूं चाट मंगाए ना, आप क्या कर रहे हो, आप पीछे रह गए। अच्छा जी लगा है ना, मजे का ये है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, करते हैं आप ही आप दे ये लोग छोड़िए आखिर भाई मेरे कुछ मदद, ये लो जी मैं खेल चाट, तो मेरे लिए तो कभी चाट नहीं आएगा इसके शो में, बस देख भाई है चाट करने अरे यहाँ कोई चाट चल रही है, छोले चल रहे हैं, कोई अब गोलगप्पे ले आएंगे, गोलगप्पे तो रोना आ रहा है, कसम से रोना आ रहा है भाई, आप ही हम आप ही मेरे कपड़े तो रुके रुके, अभी यहाँ पर जो ना हम इनामात बांटेंगे ना, यहाँ हम छोटा सा गेम करेंगे, ये रहे ना फिर इनामात बांटेंगे भाई, आप जनती क्यों हैं, हम यहाँ पर लोगों के रिश्ते कराएंगे शो को, चलाने वाले शो में कोई रिश्ता नहीं होगा, जोड़े सिर्फ आसमान में बनते हैं, शो में नहीं बनते, कुछ लोग जब शो को चलाना चाहते हैं तो वो यहाँ तो इनामों का सहारा ले लेते हैं, यही अरे क्या हो गया, अरे मेरी बहन को क्यों धक्के दे रही हो, एक सेकंड रुको, इसलिए आप सुपरमैन हैं, वैसे सुपरमैन हूं अभी, देखेंगे एक मिनट, देखिए हम एक काम करते हैं, इस तरह तो आप सब भी बोलते रहेंगे, ये टीवी है, अब इसके पीछे जो आएगा ना सिर्फ वही बोलेगा, ठीक है, बाकी सबके माइक बंद कर दें प्लीज, माइक बंद कर दें सबके भाई, बंद कर दो सबके माइक, सबसे पहले कौन बोलेगा, आप बोलेंगे आखिर भाई, मेरी आवाज में आ रहा हूँ अपनी आवाम के, चलिए जी तालियां बहुत सारी, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए बैठ जाए, अरे खामोश हो जाओ, खामोश, अरे टीवी देखो, चलो चलो सही है, बैठ जाइए, तमाम देखने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान से आगे प्लूटो, मार्स और वहाँ से भी आगे, इस वक्त जो जो मखलूक हमें देख रही है उन तमाम मखलूकों को हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहनों आज बहुत बरकत वाला दिन है, क्योंकि मैं लाइव आ रहा हूं आपके टीवी सेट्स पर तो देखिए मुझे आखिर समझ गए ना भाई, एक जैसे कपड़े किस किसने पहने भाई, एक जैसे कपड़ों के इनाम दो भाई, मैं निकल गया, आऊं क्या निकल गया, अरे दो आमिर भाई हम दोनों एक जैसे, आखिर भाई हम दोनों एक जैसे, नहीं नहीं आप सेहत में एक जैसी है ना मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अब मुझे मौका मिल गया तो मैं एक दो सवाल पूछना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल पूछें, आखिर भाई मुझे बताएंगे ये सोशल मीडिया वाले आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, क्या वजह है, निहायत ही बदतमीज लोग हैं, बिल्कुल ठीक सही है। वो जलते हैं, क्यों जलते हैं, वो इतनी जलते हैं, उन्हें इतनी पजीराई नहीं मिलती ना, वो सोशल मीडिया पे कभी ट्विटर पे कभी फेसबुक पर उल्टे सीधे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम तो सुपरमैन हैं और माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान की आवाज है, और हम अब जितने भी हमारे पाकिस्तान की हम दिल की धड़कन है भाई, मैं दिल की धड़कन हूँ, मैं कह सकता हूँ, है ना, और ये तालियां इस बात का सबूत है कि मैं उन तमाम की दिल की धड़कन हूँ, बहुत शुक्रिया, और कोई मैसेज देना चाहते हैं, अब मैसेज नहीं इनसे खेलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, अच्छा मिलता रहेगा ना, हाँ चले मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अब कौन आएगा वैसे, किसकी बारी है, अभी एक बाकी है आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो कौन है, कौन आपको ये याद नहीं, आपके दोस्त कौन है, कौन थे, चले हम आपको बताते हैं मिलवाते हैं, आप आइए बैठिए, अच्छा तशरीफ रखिए, अच्छा जी बहुत सारी तालियां आखिर सदाकत भाई के लिए, अब मैं बुलाना चाहूंगी जी जी, अच्छा नहीं मैं बुलाना चाहूंगी, कहा था आप सवाल करने को, मुझे सवाल एक मिनट एक मौका ही, आप अपने कान में वाइफ भी लगाएंगी तो आपको पता चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है, अच्छा जी अब आइए लादिया खान आइए, अब आप अपना मंजन बेचिए जो भी बेचना है, और मुझे यकीन है नाजरीन के ये जो है चुप नहीं करेंगी तो आप लोग खुद ही ब्रेक पे चले आना, ठीक है चलें जी शुरू हो जाएं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं टिप टॉप मजे में, यकीनन बहुत अच्छे होंगे आप लोग है ना, लेकिन मेरा जो शो होता है ना, मेरा शो होता है बहुत इन्फॉर्मेटिव, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, मैं जब भी आती हूँ मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ मैसेज मिलना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए आवाम को, ये नहीं कि आप इनामात दे के तो आप अपने शो को चला रहे हैं, शादियां करा के चला रहे हैं, ये सब क्या है, ये क्या है, कब तक होता रहेगा ये, मेरी बात आज तक समझ नहीं आती, ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों करते हैं, मुझे मेरे तो हाथों से टीवी निकले जा रहा है, मुझे मतलब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये किसका तार जल रहा है भाई,
मुझे तार जलने की बू आ रही है, तार जलने की। मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आती कि लोग क्यों। अच्छा आपसे कुछ सवाल करना है मुझे। हाँ हाँ, आप ये बताएं आप दूसरे शोज की इतनी बुराइयां क्यों करती हैं, वजह क्या है? हर कोई अपना अपना शो करता है, मैंने कभी किसी को नहीं देखा किसी के शो की बुराई करते हुए। आखिर भाई जो है वो नाशाइस्ता की बुराई नहीं करते, नाशाइस्ता जो है वो सवेरिया की बुराई नहीं करती, सवेरिया जो है वो फिदा की बुराई नहीं करती है, ना फिदा किसी की बुराइयां करती है। मतलब मुझे लोग पसंद करते हैं, मुझे लोग पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, और लोग अपने आप को जो लोग पसंद करवाना चाहते हैं वो खामा खां के लिए अपने आप को पसंद करना चाहते हैं। देखिए मैं बुराई नहीं करती हूं, मैं असल में बात करती हूं सच। अच्छा हमारे यहाँ पर क्या बर्थडे होती है ना, अरे बोल ही दीजिए ना, मसला ये कि मेरी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मैंने अपना स्टाइल ऐसे रखा हुआ है। आगे हमारा शो ओवरलैप हो रहा है, बहुत एक मिनट बोलिए तो प्लीज, वो शो नहीं करती मैं ना शाइस्ता जी, आप तो इतना नहीं बोलती, चुप हो जाइए। मैं शो के अंदर लोगों की तालियां और ऑडियंस को पसंद इसलिए नहीं करती कि ओवरलैपिंग खामखा हो, लेकिन बीच में तो आपने बुलाई थी शो में। देखो वो इसलिए बुलाई थी कि जाहिर सी बात है कभी कभी थोड़ा सा फ्लेवर देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है जाहिर है, लेकिन ये है कि मेरा जो अब अगर आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैं बुराइयां क्यों करती हूँ, मैं बुराइयां नहीं करती हूँ, मैं असल में सच बोलती हूँ, सच यहाँ पर लोग सुनना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि मैं डिजाइनर कपड़े नहीं पहनती, मैं नहीं पहनती, नहीं आप कहती हैं कि मैं डिजाइनर कपड़े नहीं पहनती, और उसके बाद जो है आपका जहाज आ गया। चलो भाई चलो, लोग खामखा के लिए बुराइयां करते रहते हैं, इसमें बैठ के निकल ले आप जहाज से। ये तो खैर मेरे लिए जाहिर ये देखिए ना आप ये जहाज है जहाज आ रही है कोई आप बैठे आपके फ्लाइट आप चली जाइए क्योंकि आपका वहां पर शो है और शो का टाइम ऑन है। आपके वहां पर क्लासेस लेने वाली लड़कियां बैठी हुई होंगी, आपकी जुम्बा क्लास मेरी 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 जो जो मेरी मशहूरी की और जो मेरी इतनी ज्यादा जो लोग मुझे पसंद करते हैं उसकी हटो कर दिया जाए, उसकी वजह आप लोगों ने देख भी होगी कि लोग मुझसे कितना जलते हैं, कितना जलते हैं और आपको मेरी बहन को देखे ना भाई। हाँ। आपका शो आप बात करें क्यों मुझे तो आपकी हरकत भाई आप बैठिए हरकत आप लोग बैठिए, एक और गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए, एक गेस्ट जी एक गेस्ट और है ना जी। अब ये देखें क्या इसके पैट के ऊपर। अच्छा जी हमारे जो एक और गेस्ट है मैं उनको बुलाना चाहती हूँ जी, कौन है अब हमारे साथ, बैठिए ना प्लीज पामिर जी बैठे ना। और जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे बहुत ही प्यारे चॉकलेटी हीरो जाहिर खान। क्या हो रहा है भाई ये? भैया भाई आए ना भाई आए, एक्साइटेड एम्बुलेंस बुलवा लिए भाई, यहाँ तो प्रोटीन खत्म हो गया, एक मिनट बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। बहन है ना, एक्साइटेड भाई ये घर जा क्या कहना है जी भैया। अच्छा भैया हमें छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा 17 की 17 की।
जाहिर खान कुछ कहना चाहते हैं, हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं जाहिर जी। एक लड़की थी, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया मैंने, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, खुद नीचे उतर के मुझको लटका गया कोई। अजीब इंसान मेरा भाई, मेरा भाई। शाइस्ता, शाइस्ता, माय सिस्टर, मेरा भाई। हल्के हो भाई, हल्के हो। थैंक यू। एक्चुअली जय, मुझे ये छोटी स्क्रीन पे आने की आदत नहीं, यू नो मैं खुल के आना चाहता हूँ बड़ी स्क्रीन पे। ये मुकाबला होने दो ना, ना, भाई, ना। बड़ी स्क्रीन के बादशाह तो भाई 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 वाकई में भाई हम दो। अरे होना होना ये मुकाबला हो नहीं लगता। अरे तुम तो अरे मेरा भाई जीतेगा। देखो ये कहां से बीच में आ गए, ये सर का दर्द साथ लाता हूँ भाई। आप बैठे ना भाई, आप बैठे। चलो भाई, ये लोग तुमको पूरा साथ देने नहीं, मैं हिसाब किताब बराबर करूंगा ना। प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए चलिए। आप पहचान है, रस्मन ही सही मैंने पूछ लिया कुछ खाइए जनाब, रस्मन ही सही मैंने पूछ लिया कुछ खाइए जनाब, घर में जो कुछ रखा था सब खा गया कोई। वैगन में बड़ी जोर से मैं चीखा, वैगन में बड़ी जोर से, एक मिनट मैं पांव के नीचे बैठूंगा आपके मैं। वैगन में बड़ी जोर से चीखा मैं, मेरे पांव को जब सैंडल से दबा गया कोई। अच्छा हुआ सैंडल सर पे नहीं पड़ी, जैसी हरकत है ना सैंडल सर पे पड़ी जाएगी। ओके शाइस्ता, क्या है ये, क्या क्या बदतमीजी है। और आखिरी 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 मिसरा मैं कहना चाहूंगा, आखिरी जवेरिया प्लीज बहुत बोलती हो, छिछोरे इंसान इंसान बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिरी मैं मिश्रा कहना चाहता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ रहे देखिएगा, मुद्दत से दिल के आंगन में लोड शेडिंग थी हिना। मुद्दत से दिल के आंगन में लोड शेडिंग थी हिना, कौन है यार हिना, अपने हुस्न के बल्ब इसमें जला गया कोई। क्लैपिंग प्लीज, क्लैपिंग, ये और आपको जैसे पता है मैं खवातीन का बहुत एहतराम करता हूँ, इसलिए मैं उनके बीच में रहता हूँ हमेशा। अबे सुधर जा सुधर जा। हाँ मेरे भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, देख कर पड़ता है, ठीक है देख कर पड़ता है, दम है तो भाई बगैर देखे पड़ याद नहीं होता मुझे, किसी कॉपी करता है ना स्कूल में फेल आने वाले इंसान। उठाओ शहरी, उठाओ उठाओ शहरी, उठाओ एक मिनट तुम उठाओ, शहरी शहरी उठाओ, अठन्नी फेंको, अठन्नी गई, पांच का सिक्का फेंको। देखा पांव छू लिया भाई इसने, अब भाई मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। कराची वालों अब्बू आ चुके हैं, अब्बू अब्बू होते हैं। मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। आपने देखा मेरा मस्ताना जी, भाई मेरा मस्ताने की तालियां। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैंने कह दिया ना उसे, क्या पांव पकड़ लिया उसने, बस माफी मांगनी, माफी मांग ली उसने आपसे। आ जाइए जाहिर साहब अपनी जगह पे, मैं माता जी के इन्हें क्यों बैठा था, बैठाइए ना प्लीज। अरे तुम वहां क्यों बैठे, उस्ताद इंसान उठ जाओ वहां से, तुम वहां क्यों बैठे, आओ मेरे साथ आओ। अरे आओ ना जवेरिया जी, अरे आओ जवेरिया जी, जवेरिया जी छोड़ दो इनाम इनाम, मुझे दो खवातीन लेने आएंगी तो मैं आऊंगा फिर, एक मिनट से छोड़ो लेने दिया, एक हटो हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, हटो पीछे हट जाओ ना।
अच्छा अच्छा ये भाई तू ये लेने के लिए ही आया है। अब ना तेरी है आवाज बंद हो गई ना। मैं उठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ। किसने कहा नहीं उठ रहा, मैं तो उठ रहा हूँ भाई। लोग कहते हैं भाई, लोग कहते हैं हम डरते नहीं। इधर आइए, आदम देखते हैं कितना दम है। जिन सांपों को अपने देने का हार बनाए, आप में से कौन है, कौन है आप में से? गोली अच्छा आप आइए। एक हजार रुपए मेरी बहना है। अरे आप तो खुद नागिन बन गई। अरे सांप भी शर्मा रहा भाई इनसे तो। बदतमीजी मत करें, बदतमीजी मत करें। आप तो सब कुछ अच्छा लगता है, ये कोई अच्छी बात है? बैठे बैठे एक और मेहमान आ रहा है। कुछ गाड़ी देंगे, गाड़ी ये गाड़ी गाड़ी ये पराठे। आवाज मैं सांप को किस कर सकती हूँ? जंगल से कौन आए? अरे जंगल से कौन आए? दिया करें उससे उसकी जो होगी ना सारी मजबूत हो जाएगी बुनियाद, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी आपको इतना शोर हो रहा था, आपको गुस्सा आ रहा था ना, जी जी। आप एक काम करें, हाँ। एक गिलास पानी लें, हाँ। और उठा के इनके मुंह पे डाल दें, उससे क्या होगा? उससे ये होगा सामने वाला गर्म हो जाएगा और आपको ठंडा कर देगा, उससे आप बिल्कुल। आप ये क्या बताइए, क्या लेकर आई है, इसका बताइए क्या? अच्छा ये दाल है ना, ये अगर आपका मियां का जी, देखो इनको तो चैन आता नहीं, ये जरूर आएंगी, ये हर जगह खुदक खुदक के पहुंच जाएंगी। ये उठाएंगे इसके क्या फायदे हैं? अच्छा ये बता दें इसके क्या फायदे हैं? इसको फायदा ये कि कम से कम आपके मुंह में होता है तो आप चुप हो जाती है, सबसे बड़ा फायदा ये है। हाँ जी, मुझे यही चीजें पसंद है। दिल की बात कह दी, दिल की बात कह दी। हरप्रीत जी आप हमारी हुई। जी जी जी,
कैसे लगे ब्लैक कॉफी बनाने आती है तुम्हें क्योंकि मैं वही पीता हूँ हमेशा मग में ये मेरी टीम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है मेरी टीम कहाँ है अच्छा चलिए आप काम करें ना टाइम नहीं है बिल्कुल मैं आपको काम अच्छा ये भी लगा नहीं शो गई ये आप लगाइए ये पहले आप लगाइए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ये देखिए आप हर वक्त यही खाया करें यही पिया करें और आप खामोश बहुत अच्छी लगती है मेरा बोलना अच्छा जी चले जी आपका बोलना सबको पुराना है आमिर भाई आप देख रहे हैं कि क्या टोटके बता रहे हैं अरे क्या बनाएंगी ये मैं बना के दिखा दूंगा आमिर भाई आप बताएंगे हम बताएंगे आप बताएंगे जब मैं कोई प्रोग्राम कर रही हूँ कोई मतलब काम कर रही होती जब इस वक्त लोग क्यों आ जाते हैं टोटका सोटका बंद करो ठीक है ये तुम फूल पत्तियां लगा कर आ गई हो मैं ये कहना चाह रही हूँ गुड मॉर्निंग तो हर ब्रेक के बाद बोलते हैं नहीं और बिल्कुल सी बात है लेकिन मैं हमारे साथ एक और हम लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी शो देखना शुरू किया गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग मैं ठीक है मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज सलाम अलैकुम आप चुप हो जाए प्लीज बस बस भाई हमारे साथ चचा हमारे साथ चचा मौजूद है चचा को दिखाइए जरा हमारे से चचा मौजूद है और इनका नाम है चचा कुछ नहीं जानते और ये हादिया के साथ इनके लादिया के साथ इनके शो पर होते हैं बिल्कुल मेरे साथ मेरे शो पर होते हैं और पाकिस्तान मैं क्यों नहीं लेकर आऊं अपने शो के ऊपर जब वो कैरी को लेकर आ सकते हैं अपने शो के ऊपर तो मैं जाहिर सी बात है कुछ नहीं जानती आपको बोलने देती हूं मैं बोलने नहीं देती है मुझे अभी अभी ख्याल आया कि सच्चा मैं चार शादियां कर लेता सच्चा की तालियां अरे आप क्या अच्छी बात है अमल कर करके कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है फिर इस काम के अंदर बिजनेस के ट्रेड की जरूरत है लास्ट टाइप की शक्ल ऐसे अमल ना क्या करें जिससे शक्ल ही बिगड़ जाए मैं आप सबको आपके लिए प्रेडिक्शंस निकाल के लाया हूँ पेशन गोइयां सबके बारे में पेट में गड़बड़ है क्या क्या कह रही है मुझे पेशन गोई अच्छा पेशन गोई कह रही है मैं बताता हूँ बिल्कुल बताता हूँ आपको बड़ी अच्छी पेशन गोई अच्छा आप बहुत अच्छा बताते हैं आप खामोश होंगी टू यू बहुत अच्छा बताता हूँ कि अगर मुझे बताने का मौका मिल जाए तो बता दो अरे चुप करो ना अरे एक सेकंड इस्तांबुल से आवाज आ रही है क्या कह रही है आप अच्छा जारिया कह रही है कि जारी रहने दें प्लीज सुनने दें अच्छा अच्छा चलिए आप ही से स्टार्ट ले चले आपसे स्टार्ट ले रहे आपके बारे में हमारा जो हमने प्रेडिक्शन कैलकुलेट की तो उसके हिसाब से पता चला कि नादिया आपके सितारे ये बता रहे हैं कि 40 साल तक आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आप ये कहना चाह रही है आप कह रही है 3 साल पुरानी न्यूज है ये नहीं लेकिन मैं पूरी बात कर देता हूँ 40 साल तक मुश्किलात होंगी उसके बाद आबादी हो जाएंगी सदाकत के बारे में अरे सदाकत भाई माशाल्लाह इनके बारे में बड़ा अच्छा हमें नजर आया है आप बहुत आगे जाएंगे बहुत आगे यानी कि आप आगे जाएंगे जिसके पास पहुंच गए कहेंगे चल भाई आगे जा मजीद अच्छा जी अच्छा बड़े दूर की कोड़ी लाए हो मेरी बहन के बारे में बताइए ना शाइस्ता आपके बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट बात पता चली है कि कामयाबी चाहिए तो अपने नाम में एक अदद एडिशन कर लें पूछे क्या मैं तो समझी कामयाबी चाहिए तो अपने साथ इंजेक्शन भी रखा हम दोबारा रिपीट करते हैं क्या मुझे कामयाबी का सिर्फ एक तरीका नाम में एडिशन करेंगी मरहुमा मशहूर हो जाएगी अच्छा सवेरिया भाई अरे क्या हो गया सवेरिया
भाई आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अगले साल की जो मशहूर तरीन रिंगटोन है वो आपकी हंसी होगी। अरे अरे जेबे बचाओ भाई, अपनी जेबे बचाओ, क्या हो गया? डॉक्टर साहब इंजेक्शन। नहीं नहीं जेबे बचाओ, जेबे जेबे चिपक चिपक के लग रही है भाई। नहीं नहीं हम कुछ मोबाइल फोन है तुम्हारा? देखिए हाँ, बाकी हाँ, लोग बचे हुए हमारी हर्बलिस्ट के लिए। अरे बस कर दो, हर्बलिस्ट के लिए मैं आ रहा हूँ, इनसे आ जाओ। आपके लिए अगले साल के लिए बुरी न्यूज है। अच्छा जी जवेरिया सुने, ये इनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगले साल आपके लिए ये मसला है, सारी सब्जियां गटर बागई शिकी है। अरे तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी मेरी फिदा। देखिए जी आपके लिए बहुत जरूरी है, अनकरीब आपकी तिजोरी बनने वाली है। वाह भाई वाह। एक मिनट खटमलों से स्प्रे कराएं। बहुत ही प्यारी नादिया खान। भाई नादिया आपके लिए ये है कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि हाँ। आपका मुंह बंद हो, लेकिन आपके सितारे आपने नहीं, पहले मैं आपकी एक बात करूंगी। आपने ऐसे बात कैसे कही कि मेरा मुंह बंद हो, क्या मकसद है? मैं इतना कोई फजूल बोलती हूँ नहीं, मैं बात करती हूँ जो भी तरीके की बात है। खुदा मलिन की मिर्ची दो, मलिन की मिर्ची खिलाओ भाई से। भरो 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 कोई खामोश। नादिया आपके ला दिया आपके सितारे ये बताते हैं कि आप बहुत आगे जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी, लेकिन फिर कोई कहेगा कि भाई स्टेशन तो पीछे रह गया, वापस आ जाओ। मैं बताऊँ ना कि मैं इसके अंदर ना पीपी के इसी में थूकती जा रही हूँ। आपके लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट है भाई, आपके आने वाली फिल्म के बारे में, आपके आने वाली फिल्म हिट हो जाएगी, इनकी आने वाली फिल्म हिट हो जाएगी, तालियां बजाएं। लेकिन 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 नाम है लेकिन फिल्म का हीरो फ्लॉप हो जाएगा।
अकेले करने दो, अकेले करने दो। आखिरी पेशेंट को आखिरी पेशेंट को आखिरी हैप्पी टू यू थी। एक पेशेंट को और ले ले, दोरा पड़ गया था। मेरी तो सुन लो भाई, ये सारे मरे हुए लोगों की हैप्पी टू यू क्या कह रही है आपने? सब तो मर चुके हैं। हैप्पी टू यू पकड़ो भाई। अरे बहन, ये सारे लोग तो मरे हुए लोग थे, इनकी हैप्पी टू यू कह दिया। अरे जुए क्यों फेंक रही है? जुए ये हैप्पी टू यू जुए जुए फेंक रही सब। जय जय को विश कर रहे हैं, जय को विश कर रहे हैं। साउथ हैप्पी टू यू। ये एक ध्रुव है, ये एक इच्छाधारी नागिन है। उधर बिठाओ इसको। ये जी लोग मेरे इवेंट से भाई वो हारी है जो बोली मैंने भी हैप्पी टू यू करना है। अच्छा जी, आज का जो हमारा शो था वो सिर्फ हमने बड़ी कोशिश की कि हम तमाम मॉर्निंग शोज के होस्ट को इकट्ठा करें। तमाम लोगों ने बड़ी कोशिश की है, हर होस्ट ने ये कोशिश की है कि हम सब एक साथ मिलकर एक जगह पर शो करें, क्योंकि हमारी आवाम भी ये देखना चाहती है। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि हम चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, उसके अलावा हम जा नहीं सकते किसी और चैनल पे, और अगर जा भी सके तो बाकी और लोग नहीं आ सकते, यानी हम सब एक साथ जमा हो नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। तो हमने कोशिश की कि हम सब इन सबको एक छत के नीचे एक जगह जमा करें, और जितने लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया मैं उन सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर भाई ही कहूंगी मैं आपको, और ना शाइस्ता आपका बहुत शुक्रिया, सवेरिया आपका तो बहुत ही शुक्रिया, और आप मेकअप कर रही हैं, फिदा ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, फिदा का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आप और ट्विटर का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लादिया खान आपका भी शुक्रिया, और यकीन कीजिए कि हम लोग आपस में बड़ा प्यार करते हैं, तो हमने सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए सब किया। बहुत मजा आया। जाहिर आपका बहुत शुक्रिया, आप तो मेरे हीरो भी रह चुके हैं ड्रामे के। यस यस यस। और आपका भी शुक्रिया चचा, जो कि कुछ नहीं जानते। तो जी इन सबका मैंने शुक्रिया अदा इसलिए किया। और हाँ जी, कैरी साहब का भी बहुत शुक्रिया है। ये कैरी नहीं, चेरी है। चेरी है, अच्छा सॉरी, चेरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट हैं, जो कि ये प्रोग्राम देखेंगे या उनको किसी जरिए से पता चलेगा, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, एक्चुअली मैंने तो सबसे पहले सबकी इजाजत ली है, उसके बाद मैंने ये शो किया है। जितने लोग हैं उन सबको मैंने कॉल की, उनसे पूछा कि आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं ये शो कर लूँ आपके डुप्लीकेट्स बुला के? सबने कहा कि नहीं नहीं, बड़ी खुशी खुशी सबने इजाजत दी। और आमिर भाई जो है हमारे पास मदीने में है, उनसे भी मेरी बात हुई। तो जी मैं उन सबसे एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि अगर इसमें कोई भूल चूक नाचाकी हो गई हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, आप सब हमें बहुत प्यारे हैं। और मैं फिर एक दफा कहना चाहती हूँ कि मॉर्निंग शो होस्ट को बहुत तनकीद की नजर से देखा जाता है, लोग बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि हमारे यहाँ तकरीबन सबका ख्वाब यही है कि वो मॉर्निंग शो होस्ट बन जाए किसी भी तरह। तो हम सलाम करते हैं हमारे तमाम मॉर्निंग शो होस्ट को जो कि इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे मॉर्निंग शो कर रहे हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स और अपनी सारी परेशानियां अपने घर रख के आते हैं, आपको हंसाते हैं, खुश करते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो उन सबके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको बहुत कामयाब करे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी और मीडिया की ज़िंदगी में भी, और उनको बहुत 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 तरक्की दे। और मेरे तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोगों ने, इनसे भी भाई नाराज मत होइएगा, ये सब मेरी बहुत रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए हैं। आइए जी, और आखिर में काशिफ भाई कहाँ है आप? तो आज तो कैरी ने आपको पीछे कर दिया है। काशिफ भाई गाना जबरदस्त था। एक छोटा सा काम जी, साउथ भाई को मेरा सलाम कहिए। जी बिल्कुल, आप जानती हैं ना वैसे? हाँ, बोल दीजिए। जी बिल्कुल जानती हूँ मैं। आइए जी काशिफ शुरू करें। आ जाओ भाई। कोई कहे कहता रहे इतना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे जितना भी हमको दीवाना, ओ हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, ओ जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना।
अपने दिलों का तराना, हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, तुम अपने धुन में गाओ दुनिया। रूठे टूटने दो बंधन टूटे, टूटने दो दुनिया छूटे, टूटने दो ना घबराओ, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, ओ हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। भी हमको दीवाना कोई कहे कहता रहे, इतना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, ओ हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना।